बरसत रहा द्वापुर त्रेता युग जाते जाते मति भ्रष्ट हो गई दुनिया की कलयुग के आते आते। कलयुग पाछो फेंक दियो रे जू छोड़े चोगा, कलयुग पाछो फेंक दियो भाई जू छोड़े चोगा। गौ माता कटनी में जावे कुत्ता पाले जारी सा। इन कलयुग में कदर बिगड़ की गंगा जड़े और गाय की। इन कलयुग में कदर बिगड़ की गंगा जड़े और गाय की। होती जाए दीवानी दुनिया सैमसंग नोकिया विवो एप्पल अनेक मोबाइल नाना प्रकार रा। होती जाए दीवानी दुनिया मोबाइल और चाय की। माँ कह दियो बेटा माँ तो दुख का टाइम नहीं है और चाय पीने 20 किलोमीटर जाती फलन जगह आलर चाय पी। इन कलयुग में कदर बिगड़ गई गंगा जल और गाय की। होती जाए दीवानी दुनिया मोबाइल महंगो महंगो लावणो किस्ता माते भले ही भरीजो मत रोई बोरन बोरे रोंड आपो खाओ गीने खोंड बढ़िया मोबाइल चलावणो और चाय पीने कहवा जटे। इन कलयुग में कदर बिगड़ गई गंगा जल और गाय की। होती जाए दीवानी दुनिया मोबाइल और चाय की। आज देश री है आ हालत हाथ हाथ ने काट रहे हो भाई भाई रो बैरी बन बैठो माँ बाप ने बैठो डांट रहे हो। पूग्यो जद उंडो पाताला शिवजी ने शीतल कौन करे। तृष्णा ही तृष्णा मृग तृष्णा इकराल भूख आख्या भरे। और है जीणो बेकार जटे जिन धरती ऊपर गाय कटे साहब। हिंदू जड़ तक बैठा है अगर गाय कटे तो उठे जीणो भी बेकार हो जावे। जन गौ माता ने भगत केर के भी प्रभु बड़ा समय अजीब आ गया। पहले का समय आज का समय कितना बदल गया। पहला घर मेहमान आओ तो जन बाढ़ रे मातू उपरड़े सामान मांग लेता उधारो के थोड़ी चाय सकर दे दे मेहमान आयोडा। हमें लोगों रात दी लोगा छोटा न भीतो वेगी मोटी। पहला भीतो वे थी छोटी न दी लेता मोटा। पहला 108 कड़ी रुगाग रो पैर थी जन बालाजी महाराज रोटो ली जा घरून चढ़ावती। हे बालाजी महाराज परिवार ने भेड़ो राख जे सुख शांति राख जे। धीरे धीरे टेम आयो साड़ी रो मिटाई ली जान चढ़ावे बालाजी महाराज। मौलापति देव ने गणा रपया दीजिए दूजोड़ा ने वैज कोई ले लीजिए। और धीरे धीरे टाइम आएगो जींस पैंट रो एक चॉकलेट ली जावे बालाजी रागे करे दो मिनट रो टाइम। हेलो हनु हाउ आर यू आई एम फाइन ओके बाय बाय टाटा बालाजी के मारी उपरू निकली अंग्रेजी मनी को नहीं आवे। तो समय बड़ा बदल गया। तब कवि ने बहुत सुंदर लिखा और कहा अरे मर मनड़ा बदल गदिनड़ा। अरे मरा मनड़ा बदल गया दिनड़ा। किन किन लागे दिन बदल गया एक बार हाथ खड़े करे जिनको लगता है। सभी लोग दोनों हाथ खड़े कर ताली बजाते हुए। अरे मरा मनड़ा बदल गया दिनड़ा। वा पहनारी बात नहीं वा पहनारी बात नहीं रे ओ बदल गया दिनड़ा। अरे मनड़ा रे मनड़ा
मंदड़ गदिनड़ा बा बहलारी बात नहीं बा बहलारी बात नहीं रे हो कदर बिगड़ गई जीव तेरी खाल उतड़ गई गौ माता की कदर बिगड़ गई जीव तेरी खाल उतड़ गई सावन सूखो सूखो जावे देखिए ये एक सत्य बात है साहब बड़ी विडंबना है हालांकि सत्संग में कई बार सत्संग की बात करा लोगों ने बुरो भी लाग जा क्या कहीं ज्ञान बांटो ज्ञान गोटे रखो थानो घरे रखो मान तो ज्ञान घड़े ढूले आ गई किने सुनो गुरु ज्ञान उठ उठ भागे जरा हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं अब जागरण की बात जागरण नहीं करा तो करा कटे दूसरी कोई जगह भी तो नहीं है आई तो एक जगह बटी बची है जिनमें अपने संस्कृति की दो बात कह सका और संत महापुरुष है वे कड़वा शब्द इनवास से लिखिया आदमी ने जानवर बराबर भी बता दियो क्यों बताओ की माने दोरो लागो जाने अपनो भाई जो मार दो मौका भर दे गर्रा भाई जो कुछ कही पर आदमी कदी नहीं कह पर बहुत जोरदार थारी तो वोट कोई कर भी बड़े ही करी इन वास्ते हमेशा जो अपन आ भेज कड़वा शब्द लिखिया जन संतान में अनेक प्रकार लिखे भाई के करिए समझ जा और के कर लिखे बोले अरे सावन सूखो सूखो जावे सावन सूखो सूखो जावे बे मौसम बरसावे अरे मारा मनड़ा रे मनड़ा बदल गया दिनड़ावा पहला नहीं बात नहीं पहलारी बात नहीं रे हो एक बार देखियो के लिए जोरदार तारे हो जाए सभी लोग दूजा देश में अपना तो हाल भी घुंगटरी पड़ता है और घुंगटी निवास नहीं है कि तू माऊ डर डरने वास नहीं है अपनी इज्जत अपने पास में किसी और के पास में अपन इज्जत आप खुद करा जाने दूजा करी दूजो कद नहीं कर सके बाकी अपना मारवाड़ रो कल्चर तो और है साहब पर मारवाड़ छोड़ना या तो अपना कल्चर ने नहीं भूलिया एक बार सभी लोग इनके लिए तालियां बजाए कि आज भी वही कल्चर जिंदा देख रहा हूँ मैं साहब यही बस बड़पन है ईश्वर की कृपा है हमारे मारवाड़ के ऊपर कि वो वैसे के वैसे बना हुआ है
या सवादू माया जाण रोला गुर जादू कई कई साधू भया सवादू माया जाण रोला गुर जादू अरे गुरु जी ने चेला प्यारा अरे गुरु जी ने चेला रे प्यारा चेला संतरी पहचान फॉर्चुनर गाड़ी हूँ या गाबा उन्हीं वे संतरी पहचान उन्हें शब्द हूँ शब्द हमारा मर गया शब्द छोड़िया राज जिन जिन शब्द विचारिया ज्यारा सरिया काज और एक शब्द में कह रहा हूँ कि साधु बनना सूरा बनना सहज है घड़ी पलक का काम यानी सूरवीर बनना दो मुक्का के नहीं धरो अरे यार आज का हिम्मत आ रहा बेटो दो मुक्का धरिया सूरवीर आदमी सूरा बनना सहज है घड़ी पलक का काम साधु बनना दुर्लभ है भाई ये सारी उम्र का लास्ट में एक दाग लाग हुआ तो जोधपुर वाली जेल में ले जान ठीक दे तो साधु कौन है धरियोड़ो इन बात से ये सच्चाई है साहब संतों ने लिखा है कि बरिया सो छिलके नहीं छिलके सो आधा शॉर्टकट मम जा रही तेरी तो गणी बने धरी रखी क्यों सरिता दी दिन गावन हाल बरिया सो छिलके नहीं छिलके सो आधा आदमी रिपार कान बोली है लदा मिनू शॉर्टकट तो कहीं लिखे इनु दगे तो लिखना में गई 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 जन उन टाइम दुलाराम जी महाराज होया वेल कर एक बार अपना बेटियां वास्ते जोरदार तालियां बजाओ पहला तो सब लोग पीछे तक जो बेटियों से प्यार करता है क्योंकि घर के आंगन की चिड़िया होती है बेटियां लेकिन पंख नहीं होते बेटियों के ये सत्य बात है साहब बाप घरों बाहर निकले नहीं जो को बेटी बाप ने मान ध्यान है बाप घरों बाहर निकले रात्रि एक बजे घर आवे नहीं छोरो मोबाइल चलाए बाप आटू बजाए तो ही बेटो नहीं खोले और बेटी आधी नींद में गई तो ही जजक जान पीता पहला दरवाजा खोली बाकी बेटा मरियो ये सत्य बात है भगवान जब खुश होता है तब उसे बेटा देता है भगवान खुश होता है तब बेटा देता है लेकिन भगवान बहुत ज्यादा खुश होता है तब बेटी देता है साहब हर किसी को बेटी नसीब कवि ने लिखा है अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया बेटियां बेबी इधर आओ खड़ी हो जाओ एक बार खड़ी हो देखो सही आनंद जीवन का लोग क्या जानते हैं जिनकी बेटी नहीं उनको क्या पता बेटियां क्या होती है जिनकी बेटियां वही समझ पाएंगे बेटियों का मतलब क्या होता है ए अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया आज सरिता दीदी ने भी नाम कमाया और ऐसी अनेक बेटियां हुई मीरा बाई भी पूत कपूत हो जाए मूंग छाती पर दलता है जरूर थोड़ी दानो बेटो बड़ो सेवाकारी माँ बाप रिपक दाबी कोई भरोसा नहीं है बेटो गांव में क्यों डन फोन कर दो शाम तक नहीं आवे बेटी अगर सौ कोस ग्यूड़ी है एंड माँ बीमार है फोन करो बेटो तो पता है बेटी पहला घर आ जाए साहब ये होती है बेटियां ये सत्य बात है आंखों देखी है कानों सुनी नहीं कहूँ आंखों देखी बात 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 आ जा करूँ कहीं कानों सुनी नहीं कहूँ आंखों देखी बात दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात हाँ वो आवेदन बेटा है नया गाबा लावे सेंट लगावे धक्के नाचे बंदरा रजी हथड़ाओ मिलावे एन कैसा दुजड़ो बारे जात्रो खाली एक जनो मैं आवरा एन क्या बेटा है गाड़ी ठोके ठीक जो पाचा कोई नोने रेन कोई पी रेन कोई हारे पाचो बंदरो के मुंह तो लारे ओड़ो लाओ गाड़ी दे घर हलो पर कानो सुनी नहीं कहूँ आंखों देखी बात दुल्हा दुल्हन मिल गए भाई रे फीकी पड़ी बारात ये एकदम सत्य बात है तब कहता हूँ भूत कपूत हो जाए मूंग छाती पर दड़ता है भूत कपूत तो धन संचय क्यों पूत सपूत तो धन अगर सौकार बैठो गए इन बाप रे बेचुड़ी फांसी नहीं आई एंड बिगड़ो दादी फॉरेस्ट कोर में पापो काट दे के पापर कमाड़ा घड़ी है धूड़ बेड़ी ये सत्य बात है पूत कपूत हो जाए मूंग छाती पर दड़ता है गलत ख्याल है लोगों बेटो बिन नाम नहीं चलता है दुरू पहला सुदामा ने भक्ति में रंग जमाया अरे मीरा के कौन सा पुत्र हुआ फिर भी उसने अमर नाम मीराबाई के औलाद नहीं थी कल्पना चावला के औलाद नहीं थी कर्माबाई के औलाद नहीं थी कर्माबाई ने भगवान को खींचड़ खिला दिया आपो पूरी उम्र काट दी भगवान ने दो रुपये प्रसाद नहीं जिमा सकिया लीजा लीजा चढ़ा नहीं जाओ और कर्माबाई खुद दाबड़े रो पर्दो कर खींचड़ो वो भी देख बेटी तब कवि ने कहा कि घर के आंगन की चिड़िया होती है बेटियां लेकिन पंख नहीं होते बेटियों के पियर भी होते ससुराल भी होते लेकिन घर नहीं होते क्यों माँ बाप कहते पराए घर को जाएगी क्या औलाद है छोड़ दिया है पढ़े तो बढ़िया नहीं पढ़े तो दूर और नहीं तो पराए घर जाए और हार ये क्या तो पराए घर आयोडियो कहीं भलो करे माँ बाप कहते पराए घर को जाएगी सास ससुर वाले कहते पराए घर से आई है ए मेरे बाबा
अब तो ही बता ये बेटियां किस घर के लिए बनाई साहब, बेटियों का कोई तो घर होगा कि ये घर मेरा है। बेटी जहाँ भी जाती है उसे आंसू मिलता है, माँ बाप कुछ और कहते। तब मैंने दो लाइनें गाई थी एक बार, आप लोगों ने यूट्यूब पे सुना नहीं सुना तो आज सुना देता हूँ। हो जागो जागो रे भरती राजाया, अब आया जागो जागो भरती राजाया, पटवारा अब सही आया, पटवारा अब सही आया, पटवारा दिन आया, पटवारा अब सही आया, पटवारा दिन आया। जागो जागो रे जागो रे जागो जागो रे जागो 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 भरती राजाया, पटवारा दिन आया। और पटाने से क्या पटाना चाहते बेटों को, पटाना चाहते बेटों को लेकिन पट जाती है बेटियां, और चढ़ाना चाहते बेटों को लेकिन चढ़ जाती है कल्पना चावला जैसी बेटियां। तब मैंने कहा और पढ़ने से क्या होगा, लोग क्या बेटी ने नहीं पढ़ना होते, अरे बेटो पढ़ना चाहिए, बेटो तो हो जाओ फेल और बेटी हो जाओ फर्स्ट डिविजन पास, वो मेहनत करती है साहब। तब मैंने कहा बेटियों के लिए और क्या, बेटी डॉक्टर बनने आवे दुनिया ना दुखड़ा मिटावे, बेटी डॉक्टर बनने आवे दुनिया ना दुखड़ा मिटावे, चाहे वकील बने या मास्टर। मेरी बात अच्छी नहीं सच्ची लगती हो तो सभी लोग ताली बजाकर समर्थन करें। चाहे वकील बने या मास्टर दुनिया ना दुखड़ा मिटावे, चाहे वकील बने या मास्टर दुनिया ना दुखड़ा मिटावे, जागो जागो भरती राजाया, पटवारा दुखड़ाया।